वार्ड नंबर 5 में गौशाला के पास नव निर्मित पानी के नाले के ब्लॉक व ओवरफ्लो होने से वार्ड वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के ब्लॉक होने व नाले के कई जगहों से लीक होने से लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और बरसात के दिनों में तो ये समस्या और भी विकराल हो जाती है। लोगों का कहना है कि वार्ड के पार्षद को बार बार शिकायत करने पर भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। इस परेशानी से खफा हुए वार्ड के लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस जाम पड़े नाले को जल्दी ठीक करवाने की भी मांग की। बता दें कि इस बनाए गए नाले के निर्माण में घटिया मटेरियल लगाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वही वार्ड के पार्षद के ससुर ने इसकी जांच करवाने और समस्या का समाधान करवाने का वार्ड के लोगों को आश्वासन भी दिया गया है। इस बारे में वार्डवासी ज्योति ने बताया कि कुछ महीने पहले बने पानी के नाले के कारण वार्डवासियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये नाला जब से बना है तब से इसकी सफाई नहीं की गई है, जिस कारण ये गंदगी से भर गया है। अब इसका गंदा पानी घरों में घुसने लगा है, जिससे काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कई बार पार्षद को कहा गया, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकल पा रहा है। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वही वार्डवासी पंडित दिनेश ने बताया कि पूरे शहर का गंदा पानी इस नाले में आता है। अभी इस नाले को बने कुछ ही समय हुआ है और अभी से ही इसकी हालत खराब हो गई है। पानी गंदगी के कारण बैक मार रहा है, मोहल्ले के घरों में पानी घुस रहा है। इस गंदे पानी के कारण मच्छर मक्खी पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नए नाले को अभी तक कोई नगर पालिका अधिकारी देखने के लिए नहीं आया है। नाले में कई जगहों से लीकेज है। हमारी मांग है कि इस नाले को अति शीघ्र ठीक करवाया जाए। प्रसिंह है वार्ड नंबर 5 इंद्री से। हमारे सिस्टर के पास नाला बना हुआ है एक, उस नाले से हमारे आने जाने की परेशानी है। सिस्टर के घर पानी बढ़ गया है और ये नाला बना है, जब से नाला बना है बहुत परेशानी है। दो फारी बरसात आई, दोनों बेरी में पानी, आप ये देखो पीछे हटो जी, ये देखो जी पानी पीछे हटो, ये देखो जी पानी कैसे खड़ा है जी, आप ये देख सकते हो। इस परेशान से लोग गाँव साला बनिया नहीं, यहाँ पानी आते हैं रोटी देने के लिए, चुवारी तंग हो जाती है, यहीं पीछे से खड़ी होकर खाना दे रही है गौशाला में। ऐसे ने भी आगे जाके गाँव के खाना दिया है। आप ये नाला देखो, ये पूरा नाला खराब हो पड़ा है, ये लापरवाही हुई है बहुत ज़्यादा जी। इस लापरवाही से ही ये नाला खराब हो चुका है। ये सब मिली भगत से जो काम हुआ है ये हुआ है जी। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं जी, देखो आप खुद कार्रवाई, हम तो जितनी कार्रवाई उतनी अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर तो जी। नाला भी बनेगा दोबारा, ये नाले की तो मरम्मत करो, ये नहीं नाला सही करो जी। ये सीवर बने हैं वहाँ से आगे बंद है सीवर और ये पानी ब्लॉक हुआ पड़ा है, यहाँ तक ब्लॉक है आगे पानी बिल्कुल खाली पड़ा है सीवर। घर बैठ के कौन बीमार हो जाए, ये घर बैठे हैं ना तो कहीं जाने जोगे ना कुछ, यहाँ गुआ बांधते हैं, बंद आना जाना है सारा कुछ है। ये देखो आप पानी, आप देख सकते हो जी। तो इसका समाधान नहीं होता तो आप लोग आगे प्रशासन के पास जाएंगे, हम प्रशासन से बात करेंगे। नमी MC आता है, बात करता है, उसके बाद चला जाता है ना, उसने कहता है यहाँ भी बंदे नगर पालिका वाले बंदे वो पाइप खोल के गए थे, वो किसी ने बंद कर दिया, वो कहते हैं हमारे बच्चे डूब जाएंगे जोड़ में, जोड़ बन जाएगा यहाँ पे, तो क्या करेगा बंदा। ये तो नगर पालिका प्रशासन ने खुश हो जाए, जब नाला बनाया था इसकी निकासी कैसे बनानी चाहिए ये नहीं देखा, नाला बना दिया और छोड़ दिया चले गए। तो कितना समय हो गया इस नाले को? नाले को 1.5 महीना हो गया कम से कम जी। तो 1.5 महीने में लीकिंग हो गया? हाँ जी बिल्कुल लीकिंग है, यहाँ से भी लीकिंग है, यहाँ से लीकिंग है, आगे लीकिंग है, फिर आगे पाइप दबा है, मिट्टी गिरी हुई है, वहाँ से पानी लीकिंग हो रहा है जी। घटिया मटेरियल का यूज किया गया इसमें? ये तो हमने देखा नहीं है जी, घटिया या कैसे भी है, जो भी है नाला गलत बनाई है बस हमारे सर से। जो लीकेज हो रही है घटिया, ये और क्या है घटिया, वो तो देखेंगे लोग वीडियो में, देखो आप देखो जब, जब लीकेज हो रही है तो ये घटिया सामग्री का ही प्रयोग किया गया इसमें, जब नाला लीकेज हो रहा है तो घटिया सामग्री है इसमें और क्या है, घटिया सीमेंट है, घटिया रेता, घटिया सब कुछ है। अगर तो इसमें नाले में सही मटेरियल लगा होता तो ये नाला सही ना चलता क्या, छह छह जगह लीकेज हो रही इसमें जी। ये नगर पालिका के सामने नाला बनाया जी, वो देखो लीकिंग हो जाए उसमें पानी रुक के दिखा दे, मेरे सामने बना नाला। सुनो जी, हमारे घर के पास हुए जो गलियों में पाइप डालते हैं कमेटी वाले, हमारे घर के पास से पाइप जा रहा है, हमारे घर के पाइप घर के पास से पाइप जा रहा है, वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है हमारा, आप घर जाके देख सकते हो। लैट्रिन बाथरूम का लेंटर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, कभी भी वो लैट्रिन बाथरूम हमारा गिर सकता है, सारी वो पानी हमारे दीवारों में मर रहा है। अगर जो हमारा मकान कल को अगर लैट्रिन बाथरूम गिर गया उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो क्या मांग करते हो आप इस नाले? हम यही मांग करते हैं भाई, इस नाले को रिपेयर किया जाए, अगर जो नहीं रिपेयर करता है इसको दोबारा बनाया जाए, पानी की निकासी की जाए आगे आगे वो पब्लिक, अगर जो हम उसको MC को कहते हैं वो यही बात करते हैं भाई, ये पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक हेल्थ के अंडर में आता है,
ये नगर पालिका के अंडर में आता है तो हम किसके पास जाएं? हमें इस बात का सलूशन चाहिए भाई, कौन इसको समाधान करेगा? पब्लिक हेल्थ के पास जाएंगे, वो कह देंगे नगर पालिका करेगी, नगर पालिका क्या देगी? हम कमेटी वाले करेंगे, कमेटी का कहते हैं पब्लिक हेल्थ करेगा, तो हम किसके पास जाएंगे? आप ये देख सकते हो, अगर जो शहर में आवारा पशु घूम रहे हैं, अगर जो हमने उनको यहाँ समाधान कर दिया, उनको बांधने का, उनको सेवा पानी करने का हमने समाधान कर दिया, अगर जो हमारी गौशाला के पास ही पानी भरा रहेगा तो हम उनकी कैसे सेवा करेंगे? लोग उनको आके कैसे रोटी देंगे? आप देख सकते हो कितना पानी भर रहा है लगाई। अगर जो कोई लेडीज यहाँ पे आगे रोटी देती है, बताओ कैसे देगी? हमारी गौओं को कैसे खाना पीना दिया जाएगा? कैसे हम उनको दे सकते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान हो। कल भी मैंने फ़ोन किया था भाई, आप आगे देख सकते हो, वो देख गए भाई इनकी दरखास्त चली गई है, ठीक है। फोन अब हमने सुबह फ़ोन किया भाई, हम 12 बजे आ रहे हैं, 12 बजे भी नहीं आए। फिर MC साहब आए हमारे भाई, मैं उनको ले के आ रहा हूँ, तो ले के आ रहा हूँ। जो कल हमने वहाँ से पानी की निकासी करवाई, उन्होंने वो बंद करवा दिया। वो कह रहे हमारी ज़मीन है, फलाना हमारे बच्चे डूब जाएंगे, फलाना डूब जाएंगे। अगर जो यहाँ समाधान नहीं होगा, अगर जो यहाँ 2 दिन भी बरसात होगी ना, यहाँ कोई भी इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अगर जो यहाँ 2 दिन भी बरसात होगी ना, तो कोई भी इंसान नहीं खड़ा हो सकता। आप हमारे घर के पास जाके देख सकते हो। मेरा नाम दीपक गुप्ता जी, सन ऑफ मोहनलाल गुप्ता। मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा है, वार्ड नंबर 5 से है। आप सभी देख के यहाँ पर आकर, बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई है लगातार, और इस बारिश में पूरी गौशाला में पानी हो गया। जो गौशाला की गली है उसमें पानी हो गया। अभी नई खुली है, लोग यहाँ पर जितने भी गौ माता की सेवा करने के लिए आते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। पूरा जितना शहर का पानी है वो इस नाले में आता है। अभी 2-2.5 महीने इस नाले को बने हुए हो गए और इसकी हालत इतनी ख़राब है, देखने में तो नया लग रहा है लेकिन इसका काम बिल्कुल ख़राब है। अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, गंदे पॉलीथीन वगैरह सब शहर का कूड़ा कचरा इस नाले में इकट्ठा हो गया है और पानी बैक मार रहा है। जो यहाँ मोहल्ले के लोग हैं उनके घरों में पानी जा रहा है, जिसके कारण उनके घर में बहुत बदबू हो गई है, मच्छर पैदा होने की स्थिति हो गई है, वे बेचारे खाना भी नहीं बना सकते, दूसरों के घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में जाके खाना खा रहे हैं। और ये कमी के, ये बड़े अधिकारियों की ज़्यादा इसमें कमी है, क्योंकि ठेकेदार तो काम करके चला गया लेकिन कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ देखने के लिए नहीं आया कि ये नाला ठीक बना भी है या नहीं बना। तो इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि जो भी चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, या जो भी इसको नाले को बनाने वाले हैं, वो आके यहाँ पर देखे, शीघ्र अति शीघ्र आके देखे। तो जगह जगह से लीकिंग है, मौके पर आकर अपने आप देखे कि यहाँ पर कितनी स्थिति खराब है। और इस आप और हमारी तो यही मांग रहेगी कि इस नाले को इस तरह से बनाया जाए, चाहे तो इसे तोड़ के दोबारा बनाया जाए या इस तरह से बनाया जाए, किसी भी समस्या को अपनी तरफ से समाधान करके कि किसी भी प्रकार से कि ये पानी इसमें से ना निकले, इस नाले में से, ताकि वो लोगों के घरों में ना घुसे और वो इस सड़क पर इकट्ठा ना हो, ताकि लोगों की आवाजाही यहाँ पर ठीक ठाक से चलती रहे। हम ये जो बड़े अधिकार है या ठेकेदार है या हमारे इस 5 वार्ड का जो पुरुषोत्तम MC है, जो यहाँ से मिट्टी तो बहुत मारता है, लारे दे दे के चला जाता है। हमारे यहाँ की कहावत भी है, अति भक्ति चोरे लखन, ये हमारी, ये हमें मिट्टी तो मारते हैं लेकिन गोली दे के चले जाते हैं। हाँ जी, मेरा नाम ज्योति है जी और वार्ड नंबर 5 है जी, और मेरे घर में इतना पानी बढ़ा हुआ है, MC आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते और कह के चले जाते हैं कि हम शाम को आएंगे और शाम को कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, और अब तक कोई भी MC नहीं आया और घर में इतना पानी भरा हुआ है और अभी तक कोई सुविधा नहीं हुई यहाँ पे। तो क्या समस्या आई है अभी ये? जी समस्या ये है कि ये खाला जब से बना है ना, तो ये सारा बैक पानी आ रहा है, जब बारिश आती है ना घरों में पानी घुस जाता है, और जितने भी ये बच्चे हैं ना यहाँ पे बहुत परेशान हो रहे हैं, खेलने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले बहुत दिक्कत आ रही है सबको, और हमारे घर में इतना पानी हो रहा है। और MC आएंगे कहते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, अभी तक कोई MC नहीं आया, देख के चले जाते हैं। तो आपने सचिव को मिले आप यहाँ? ना, अभी तक किसी को नहीं मिले, अभी तक बस MC आए तो वो कह रहा है चलो मैं अभी उनको लेके आ रहा हूँ, क्या बोलते हैं उनको,
कमेटी वालों को लेके आ रहा हूँ और फिर मैं आपकी समस्या दूर करता हूँ यहाँ पे। और अभी तक 2-2.5 बज चले हैं, अभी तक कोई MC किसी को नहीं लेके आया अभी तक, और ना ही कोई कमेटी वाले यहाँ पे। तो ये नाले में क्या प्रॉब्लम आई है? नाला सब बंद पड़ा है, ब्लॉक हुआ पड़ा है नाला, इतना गंद भरा पड़ा है, तब से बना सफाई भी नहीं करी यहाँ पे। तो कितना टाइम हो गया नाले इन को? नाले को बने को 2-2.5 महीने हो गया। 2-2.5 महीने हो गए। हाँ जी, तो लीकिंग भी है अभी इसमें? हाँ जी, लीकिंग भी, और खेतों में सब पानी जा रहा है। और खेत वाले हमारे को बोलते हैं अभी आपने यहाँ खाला बनवाया और आप देखो जरा किसी को बुला के दिखाओ भी हमारे खेत में पानी बढ़ रहा है। तो किसकी लापरवाही है जो नाला लीकिंग हो गया? ये MC की लापरवाही है जी, नगर पालिका MC की वो है जी, और इसीलिए हम भी परेशान हो गए। मेरे घर में जाके देखो इतना पानी भरा पड़ा है। तो इंद्री नगर पालिका की लापरवाही है? हाँ जी, इंद्री नगर पालिका की। हाँ जी, हाँ जी, मैं वार्ड नंबर 5 से जो रहने वाला हूँ, स्थानीय निवासी हूँ, और हमारी जो बहू है वो पार्षद है इस वार्ड से। अभी मोहल्ले वालों ने वहाँ बहू को जाके बोला है भी हमारे घरों में पानी रुके हुआ है, अभी आप आके देखो। मैंने आके यहाँ देखा है तो यहाँ सीवरेज जो है ना आगे चौक हो चुका है, और सीवरेज की कंप्लेंट भी SDO साहब को दे दी है भी आप इसको खोलो। उनके कर्मचारी भी यहाँ मौके पर आए हुए हैं खोलने के लिए, उसके कारण ये सारा नाला ब्लॉक हुआ है और नाला साइड में से 1-2 जगह से लीक भी हो चुका है, जिसकी जो है ना बहुत जल्दी जो है ना अभी नगर पालिका में इसकी शिकायत करके इसको भी ठीक कराएंगे। और जो सीवरेज जो बंद है जिसके कारण ये नाला सारा चौका है, घरों में पानी जा रहा है, वार्ड वालों को काफ़ी परेशानी है इसकी, और वार्ड वाले जो है ना सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसीलिए भी हमारे घर बच जाए किसी तरह। और उनकी समस्या को देखते हुए मैं सुबह से इसी प्रयास में लगा हूँ भी ताकि ये जल्दी से जल्दी खुल जाए। नाले में कोई खामी है? नाले में तो जो है ना अभी सीवरेज चौक होने के कारण जो है ना तो नाले के जो है ना पानी ओवरफ्लो हो चुका है और साइड में से पानी भी निकलना शुरू हो गया ऊपर से, मतलब कमी है नाले में कहीं ना कहीं लेकर के। उसकी जांच के लिए ऐसे है जी, उसके जांच के लिए मैं अभी जो है ना कमेटी में जाके ना इसकी भी रिपोर्ट देंगे भी आप अपने नाले को ठीक करो या इसको इसका मटेरियल चेक करो भी इसमें ठीक लगा है या कमी पेशी है, जो भी कमी पेशी है उसको दूर किया जाए, करवाया जाएगा। जिसकी भी लापरवाही होगी, जिसकी लापरवाही है उसको इसकी कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।